so. Morning from the chilling winters. Hello everyone, this is Dr. Dark and welcome back to another vlog. और इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा अपने साथ अपने 30 आवर्स की ड्यूटी पर. मैं फर्स्ट 24 आवर्स में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड रहूंगा और नेक्स्ट आवर्स में अपने वार्ड्स के राउंड अटेंड करूंगा. इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड लेट्स डाइव विद मी. माय गॉड, सो ब्यूटीफुल गाइस. सबको ऐसा कभी ना कभी रिग्रेट होता है कि हम किस जगह आ गए हैं, कैसे फंस गए, लेकिन IGMC में आकर मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं किस कॉलेज में आ गया हूँ. मैं इससे अच्छा कॉलेज अपग्रेड कर सकता था बिकॉज आई स्पेंट ऑलमोस्ट 6 years ऑफ माई लाइफ हेयर एंड आई रियली इन्जॉयड. आई हैव क्रिएटेड सो मैनी मेमोरीज हेयर. आई रियली लव दिस प्लेस यार. लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. दिस इज सो डैम ब्यूटिफुल. देयर आर सो मैनी bad things happening in my life, but now I'm again on track, and yeah, that's a part of life. We all have to fight it. That's what makes us strong, the hardship and all. So we'll talk about them later, but now enjoy this video and learn something new from this video. और शिमला के रास्तों में आपको रैंडम लोग फोटोग्राफर भी समझ लेते हैं. Now you are in hands of professional photographer. मजाक कर रहा हूँ भैया. और इतने लंबे आर्स की शिफ्ट में एंटर करने से पहले इतने हसीन नज़ारे को निहारने का मजा ही कुछ और है. सो लेट्स जंप इनटू दिस हेक्टिक शेड्यूल विद मी. आते ही सबसे पहला काम था इस बॉक्स को ओपन करना जिसमें छुपा है ढेर सारा खजाना. समटाइम्स आई गेट कंफ्यूज्ड हाउ टू ओपन दीस बॉक्सेस एंड दैट्स ओके. हम सबको कभी ना कभी कोई ना कोई सिली डाउट्स आते हैं. But if you are preparing for NEET UG, now your no doubt is silly with one-to-one live mentorship program of Unacademy. आप इस mentorship program में अपने mentor से live audio call पर बात कर सकते हो और आप अपने लिए slots book कर सकते हो अपने time के according. आप अपने mentors के साथ doubt solve कर सकते हो, exam strategy discuss कर सकते हो, आप अपने mentors के साथ एक personalized guidance create कर सकते हो, अपने लिए एक study plan को discuss कर सकते हो. और इस mentorship program में आप अपने preference की language भी choose कर सकते हो. और अच्छी बात यह है कि Unacademy is giving 33% off on NEET UG subscription अगर आप हमारा code use करते हैं Dr. Dark 1. Hurry up guys because this offer is valid only till 9th of March. अगर आप NEET 2022 के लिए prepare कर रहे हैं then this is the last call for you to join the last lap for 2022 batch. If you are aspirant of NEET 2023 then you are most welcome to join Let's Crack NEET 2023 with experts and this batch is also going to start from 9th of March. और आप इन दोनों बैचेस पर डिस्काउंट ले सकते हैं 33% का अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं Dr. Dark 1. और इसके अलावा आप NEET UG का लाइट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं Unacademy पर जिस पर आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट. लाइट सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड इन डेप्थ एनालिसिस विद वीडियो सॉल्यूशंस. और ये सारे ऑफर वैलिड है सिर्फ 1 मार्च से 9 मार्च तक. सो हरी अप गाइस, ग्रैब दिस डील. तो इस खजाने के डब्बे को आखिरकार मैंने खोल ही लिया. इस खजाने का नाम है रैपिड एंटीजन किट्स जो हम यूज करते हैं COVID-19 को टेस्ट करने के लिए. तो ये खजाना इसलिए है क्योंकि एक तो ये बहुत महंगे किट्स होते हैं और ऊपर से आज के ज़माने में ये बहुत क्रूशियल बन चुके हैं क्योंकि इनके बिना हम किसी को स्क्रीन ही नहीं कर पाएंगे कि उसको कोविड है या नहीं. RT-PCR की रिपोर्ट आने में एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम लगेगा, लेकिन ये टेस्ट के थ्रू हम विद इन 30 मिनट्स में टेस्ट कर सकते हैं कि उसको कोविड है या नहीं. मेडिसिन की कैजुअलिटी में जो भी पेशेंट आता है उसकी हिस्ट्री सीनियर लेते हैं और हमें गाइड करते हैं कि हमें कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने हैं. और ये टेस्ट डिजीज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं, जैसे कंप्लीट हीमोग्राम या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट या फिर हमें ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल देखनी है. और अगर हमें लगता है कि पेशेंट एनीमिक है या फिर ब्लड लॉस हो रहा है तो हमें पेशेंट के ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच भेजना होता है ब्लड बैंक. और वहीं दूसरी तरफ अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, दैट इज़ पेशेंट अगर पॉलीसाइथीमिया में है, आम भाषा में अगर बात करें तो पेशेंट का खून बढ़ गया है, तब हमें ब्लड विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम फ्लिबॉटमी कहते हैं. और इस दिन सबसे ज़्यादा केसेस मुझे देखने को मिले अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के. और इस डिज़ीज़ के लिए कॉमनली पेशेंट एसाइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं जिसे आम भाषा में हम पेट में पानी भरना भी कहते हैं. और इमरजेंसी में हमें ये रिलीव करना होता है जिसे हम एसाइटिक टैप कहते हैं, मतलब हम पेट से पानी को निकालेंगे. इसके लिए हमें चाहिए होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट. हाँ, क्योंकि इसमें वाइट बोर्ड निडल होती है और जो एसाइटिक फ्लूड है वो इजीली इसके थ्रू बाहर आ सकता है. स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए होगा कुछ बीटाडीन गॉजेस और स्पिरिट गॉजेस, और उनको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे इस स्टराइल कंटेनर में रखे हुए गॉज. सरफेस को स्टराइल बनाने के लिए हम सबसे पहले बीटाडीन से क्लीन करते हैं इन सर्कुलर मोशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. देन वी क्लीन विद द स्पिरिट गॉज.
देन वी इंसर्ट द नीडल विद जेड टेक्निक, और जब एसाइटिक फ्लूड आना स्टार्ट हो जाता है तब हम उस नीडल को वहीं प्लेस कर देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हमें एसआईटी फ्लूड के सैंपल को लैब भी भिजवाना पड़ता है ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि उसका कॉज क्या है। और सिमिलरली इसी तरह जब पेशेंट्स के लंग्स में पानी भर जाता है तब हमें थोरैकोसेंटेसिस या फिर प्लूरल टैप करना पड़ता है। जैसे इस पेशेंट के लेफ्ट लंग का कोस्टोफ्रेनिक एंगल ब्लंट हो चुका है, इट मीन्स यहाँ पर पानी भरा है, और उस सैंपल को भेजना पड़ता है ताकि हम पता लगा सकें कि वो किसके कारण से हुआ है, जैसे टीबी। कैजुअलिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप इमरजेंसी सिचुएशंस को टैकल करना सीखते हो। आप सीखते हो कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, आपको कौन सी मेडिकेशंस यूज़ करनी है, और आपकी जितनी भी नॉलेज है आप उसको अप्लाई करना सिर्फ कैजुअलिटी में ही सीखते हो। एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ सच यूनिट जिसमें इंटर्न्स को इतने ज़्यादा भाव मिलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा क्लिनिकल चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर यूनिट हेड प्रोफेसर डॉक्टर जेके मोक्टा, जो अपने स्टूडेंट्स को इन डेप्थ जाकर समझाते हैं और इंटर्न्स को ट्रेन करते हैं फॉर पेरिफ्रीज। डॉक्टर मोक्टा के लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, और आप जब भी कोई भी हार्ट अटैक सस्पेक्ट करते हैं आप डॉक्टर मोक्टा के फोर पिलर्स को याद करते हैं और अटोरबास्टेटिन, क्लोपिडोग्रल, एस्पिरिन और हिपेरिन उस पेशेंट को दे देते हैं। इवन डॉक्टर मोक्टा की यूनिट में इंटर्न्स को थ्रोम्बोलिसिस भी सिखाया जाता है जो पेरिफेरल इंस्टीट्यूट में किया जाता है। जस्ट लाइक इन दिस पेशेंट जिसे मैंने अभी अभी थ्रोम्बोलाइज किया है, हम थ्रोम्बोलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि पेशेंट का जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है हर्ट मसल्स में। अगर हर्ट मसल्स को टाइमली हमने वो ब्लड फ्लो वापस रिवाइव नहीं करके दिया तो वो मसल डेड हो जाएगी और पेशेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हमें उसे आगे फ्यूचर के लिए बचाने के लिए टाइमली थ्रोम्बोलाइज करना पड़ता है, बिकॉज टाइम इज मसल। आज की नाइट तो खतरनाक ही जा रही है। डोंट नो, इतनी ज़्यादा हैक्टिक हो चुकी है ऑलमोस्ट। सो इट्स 3 AM इन द नाइट और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अभी थोड़ा सा टी ब्रेक ले लेते हैं। दिन का मैंने रैट किया, उसमें से 33 पेशेंट रैट पॉजिटिव आए। और मेरा दिमाग ख़राब हो गया, अब क्या करना है। बहुत तगड़ी वेव आ चुकी है। एक ख़तरनाक काम करने में ऐसा लगा कि नहीं, आज का दिन कुछ सक्सेसफुल था, क्योंकि दो पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना, आज की रात खतरनाक ही हैक्टिक होती जा रही है। सुबह 9 बजे आया था, मैं सोच रहा था कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा क्योंकि अभी वैसे भी सर्दियों का मौसम चला हुआ है, तो बट वैसा कुछ नहीं हुआ। तो रात भर कैजुअलिटी यूं ही चलती रहती है, पेशेंट्स आते रहते हैं, हम ट्रीट करते रहते हैं। किस्मत अच्छी रही तो कभी कभी बीच में थोड़ा बहुत सोने का टाइम भी मिल जाता है। और इसी हसल पसल में आखिरकार सुबह हो ही जाती है और ड्यूटी चेंज करने का भी टाइम हो जाता है। लेकिन अभी शिफ्ट ख़त्म नहीं हुई है, अभी इमरजेंसीज तुम्हारे 24 आवर्स में आई होती है, वो कंसल्टेंट के सामने प्रेजेंट होती है और तुम्हें वो राउंड अटेंड करना होता है। राउंड अटेंड करने से पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, वरना हाइपोग्लाइसीमिया से मैं ही चला जाऊँगा। राउंड पर सर के क्वेश्चंस के थोड़े बहुत आंसर्स दे सकूँ, इसलिए राउंड से पहले जो रात किया है उसको पढ़ना बहुत समझदारी का काम होता है। टू बी ऑनेस्ट, आई लिटरली गेटिंग लेट फॉर द राउंड, सो आई सी यू गाइज सून। सो आफ्टर फिनिशिंग 4 hours ऑफ लॉन्ग राउंड, दिस वॉज माई कंडीशन एंड यू कैन क्लियरली सी इट। दिस इज मी आफ्टर फिनिशिंग 30 hours ऑफ ड्यूटी। राइट नाउ इट्स 3 PM ऑफ सेकेंड डे। सो फाइनली घर जाने का टाइम मिल गया है, मस्त अब नहाऊंगा, और क्योंकि ऑलमोस्ट 32 पेशेंट्स रैट पॉजिटिव थे जिनका हमने रैट किया था, दैट इज़ रैपिड एंटीजन टेस्ट, आई एम एक्सपोज्ड, बट थैंकफुली मैं कोविड पॉजिटिव नहीं आया था। सो सर ने बहुत लंबा राउंड लिया, बहुत सारी चीज़ें समझाई, साइंटिफिकली चीज़ों को रिलेट किया, व्हाई देयर इज़ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो जिस पेशेंट को मैंने थ्रोम्बोलाइज किया था उसी पेशेंट का केस 2 घंटे तक चला, क्योंकि सर मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर एंड व्हाई देयर इज़ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इन इंडिया, सर ने हमें पूरा ग्राउंड लेवल पर समझाया हाउ शुगर इनटेक लीडिंग टू दीज ऑल हार्ट डिजीज। वेट, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना हाफ क्यों रहा हूँ। डूड, आई एम लिटरली क्लाइंबिंग अ माउंटेन, आई लिव इन शिमला, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। पूरा सोया नहीं था ढंग से, तो नींद भी आ रही थी, बट लेक्चर में मजा भी आ रहा था। तो नाउ इट्स टाइम टू टेक अ हैवी
नैप एंड आई विल सी यू सून. तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. बहुत मेहनत से तुम्हें एजुकेट करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ यार.